बिहार की चुनावी जंग ने पकड़ी रफ्तार, कल से हो रही है पीएम मोदी की एंट्री, रोहतास, गया और भागलपुर में होगी रैली। रोहतास और भागलपुर में पीएम मोदी की रैली में शामिल होंगे नीतीश कुमार, एनडीए के उम्मीदवार के लिए मांगेंगे वोट। कल बिहार की चुनावी जंग में होगी राहुल गांधी की एंट्री, भागलपुर और नवादा में दो रैलियां। नवादा में दिखेगी राहुल और तेजस्वी की जुगलबंदी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के साथ मंच पर मौजूद होंगे महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार। बिहार के चुनावी बाजार में खुला वादों का पिटारा, बीजेपी ने जारी किया पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट। संकल्प पत्र के ऊपर अगर कोई भी प्रश्न पूछताछ करेगा तो भरोसा के साथ जवाब दे सकते हैं, ऐसे एक पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी। तेजस्वी यादव के 10 लाख नौकरियों के वादे का बीजेपी ने दिया जवाब, 19 लाख रोजगार का किया वादा। बिहार के लिए विजन डॉक्यूमेंट में बीजेपी का बड़ा वादा, हर बिहारी को मुफ्त में मिलेगा कोरोना का वैक्सीन। बीजेपी के वादे पर राहुल गांधी का तंज, कहा वैक्सीन और झूठे वादे आपको कब मिलेंगे ये जानने के लिए राज्य के चुनाव की तारीख देखें। बीजेपी के विजन डॉक्यूमेंट पर आरजेडी ने उठाए सवाल, कहा बीमारी और मौत का डर बेचने के अलावा इनके पास नहीं है कोई विकल्प। अब कब वैक्सीन आएगा नहीं आएगा, पूरे देश को फ्री मिलना चाहिए ना, टेस्ट भी बकायदा फ्री होने चाहिए, अब तो पूरा प्राइवेट वाले तो लूट रहे हैं। तेजस्वी के बार पर जेडीयू का पलटवार, कहा आरजेडी को नहीं समझ में आती रोजगार की बातें। ना बीजेपी ना हमने कभी नौकरी नहीं बोल रहे, सरकारी नौकरी देना सबको संभव नहीं है, हम रोजगार की बात कर रहे हैं। नौकरी या रोजगार का फर्क जिस व्यक्ति को नहीं पता वो बिहार का मुख्यमंत्री बनने चला है। बीजेपी के रोजगार के वादे पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, रणदीप सुरजेवाला बोले नीतीश जी कहते हैं नौकरी के लिए पैसा नहीं तो रोजगार कहां देंगे। तेजस्वी यादव के थकने वाले बयान पर नीतीश ने दिया जवाब, कहा पहले बताएं कोरोना लॉकडाउन में कहां थे आरजेडी के नेता। लालू ने एनडीए पर फिर साधा निशाना, ट्वीट किया नया पोस्टर, नीतीश को बताया मौका मंत्री, सुशील मोदी को बताया धोखा मंत्री। मुजफ्फरपुर में सीएम नीतीश की दो रैलियों में टूटे कोविड के नियम, न दूरी दिखी न ही चेहरों पर मास्क। पटना के बाढ़ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चुनावी रैली, बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू के लिए मांगा वोट। बिहार के सहरसा में शहर के बीचों बीच लोगों ने किया वोट का बहिष्कार, कहा रोड नहीं तो वोट नहीं। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी कोरोना की चपेट में, पटना के एम्स में भर्ती हुए सुशील मोदी, कोरोना के शक में घिरे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, राजीव प्रताप रूडी भी आइसोलेट। महाषष्ठी के अवसर पर कोलकाता की दुर्गा पूजा में शामिल हुए पीएम मोदी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शक्ति की आराधना। दुर्गा पूजा पर पीएम मोदी ने की नारी सशक्तिकरण की बात, कहा सरकार ने महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर बनाया कड़ा कानून। रेप की सजा से जुड़े कानूनों को बहुत सख्त किया गया है, दुराचार करने वालों को मृत्यु दंड तक का प्रावधान हुआ है। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने रविंद्र संगीत के साथ की पीएम के कार्यक्रम की शुरुआत, महिलाओं ने बजाया शंख। मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, आज महाषष्ठी के दिन में ना ही सिर्फ वो आए रविंद्रनाथ टैगोर के गाने में जो 3 मिनट मैंने गाया पूरा गाना उन्होंने सुना। पीएम मोदी के संबोधन को लेकर बीजेपी ने की थी बड़ी तैयारी, पश्चिम बंगाल के सभी 294 विधानसभा सीटों के बूथों पर किया था इंतजाम। कृषि बिल पर कोहराम के बीच अन्नदाताओं का भ्रम दूर करने की कोशिश, बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने किसानों से की मुलाकात। बीजेपी हेडक्वार्टर में जेपी नड्डा ने किसानों को दिया भरोसा, कहा मनचाहे बाजार में फसल बेचने की मिली आजादी। खेती कानूनों को लेकर पंजाब में जारी है किसानों का विरोध, लुधियाना के टोल प्लाजा पर अब भी कब्जा। शाहजहांपुर में धान खरीद में धांधली को लेकर कांग्रेस का हंगामा, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हंगामा। देश में थोड़ी कम हुई कोरोना की स्पीड, 24 घंटे में 55,000 से ज्यादा नए मामले, 77 लाख के पार हुआ कुल मरीजों का आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में 702 लोगों की कोरोना से मौत, अब तक 116,000 से ज्यादा की जा चुकी जान। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 8,000 से ज्यादा नए कोरोना मामले, 16,17,000 के पार मरीजों की संख्या। यूपी में 24 घंटे में 2,300 से ज्यादा नए कोविड केस, 4,61,000 के पार कुल मरीजों की संख्या। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 3,882 नए कोरोना केस, 3,44,000 के पार मरीजों की कुल संख्या।
मुंबई में रेलवे स्टेशन पर महिलाओं की लंबी कतार, रेलवे की इजाजत के बाद ट्रेन से सफर करने के लिए भीड़। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के चबूतरे पर लोगों का धरना प्रदर्शन, मंदिर को खोलने की मांग को लेकर नाराजगी। पटना में कांग्रेस के दफ्तर में आयकर विभाग का छापा, सदाकत आश्रम में गाड़ी में मिले 8 लाख रुपए। मेरे वहां ना कुछ गलत करने को है ना गलत पैसे देने को है, मेरे दफ्तर से 1 रुपया नहीं मिला है। मध्य प्रदेश में मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार बिसाहू लाल का हथियार के साथ वीडियो वायरल, कांग्रेस ने उठाए सवाल। मध्य प्रदेश उपचुनाव के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी को बताया पुराना घर। देखिए मेरे लिए एक तरीके से एक पुराना घर भी है, क्योंकि यह पार्टी मेरी दादी स्वर्गीय राजमाता विजयराजे सिंधिया के द्वारा एक तरीके से स्थापित की गई थी। इंदौर के बीजेपी सांसद ने मध्य प्रदेश के सीएम पर लगाया निशाना, कमलनाथ को बताया कमरनाथ। बलिया गोलीकांड के आरोपी को लेकर गांव पहुंची पुलिस टीम, पुलिस वालों के बीच फिल्मी हीरो की तरह चलता नजर आया धीरेंद्र सिंह। दिल्ली में सरेआम एक शख्स की हत्या, सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर मारी 8 गोलियां। बठिंडा में दिल दहलाने वाला हादसा, चिटफंड कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी ने पूरे परिवार की हत्या के बाद खुदकुशी की। बठिंडा में पुलिस को वारदात वाली जगह से मिला सुसाइड नोट, खुदकुशी करने वाले शख्स ने लिखा 9 लोगों का नाम। जयपुर में आईपीएल सट्टा गैंग का भंडाफोड़, कैश गिरने की मशीन भी के साथ 4,20,00,000 रुपए नगद मिले। जयपुर पुलिस ने 4 सट्टेबाजों को दबोचा, 19 मोबाइल फोन पकड़े, मंदिरों के नाम से बनाए थे 30 व्हाट्सएप। जम्मू कश्मीर के सोपोर में 2 आतंकवादियों ने पुलिस के सामने किया सरेंडर, मुठभेड़ की जगह पर परिवार वालों ने आकर की थी अपील। दिल्ली के कड़कड़ूमा के पास बदमाश और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम के बीच मुठभेड़, एक कुख्यात अपराधी रुस्तम गिरफ्तार। जौनपुर में बीजेपी सांसद के प्राइवेट गनर ने की सिपाही की पिटाई, जान को लेकर हुआ था विवाद। मुंबई की एक गारमेंट फैक्ट्री में भीषण आग, लाखों के नुकसान की आशंका। यूपी के हाथरस में अवैध फैक्ट्री का पर्दाफाश, 14 तमंचे और बंदूक बनाने के उपकरण बरामद। लखीमपुर खीरी में रिश्तों का खून, एक युवक ने अपने 2 नाबालिग बच्चों के साथ मिलकर की पिता की हत्या। बैतूल में छेड़छाड़ करने वाले अनाज कारोबारी को पहनाई गई जूते की माला, ग्रामीणों ने पूरे गांव में घुमाया। जोधपुर में दर्दनाक हादसे का लाइव वीडियो आया सामने, 100 मीटर तक कार के साथ घिसटता रहा शख्स। वाराणसी में 7वें दिन भी जारी है बुनकरों का धरना, बिजली बिल को लेकर सरकार से नाराज। बेंगलुरु के वार्थर झील में फंसा एक किसान, 2 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद निकाला गया बाहर। पोखरण में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का फाइनल परीक्षण, अब सेना में शामिल करने की तैयारी। नौसेना में शामिल हुआ स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस कवरत्ति, सेना प्रमुख नरवणे ने किया समर्पित, परमाणु हमला सहने की क्षमता। कोरोना के कहर ने बिगाड़ा रावण का कहर, 2 से 5 फुट तक के बनाए जा रहे हैं पुतले। कोरोना की वजह से स्टूडियो में शूट हो रही रामलीला, कैमरा संभाल कर मोर्चे पर डटे हैं राम। त्रिपुरा में कलाकार ने सूरजमुखी के बीज में बनाई देवी दुर्गा की मूर्ति, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। अब की बार दुर्गा पूजा के वक्त दिल्ली के चितरंजन पार्क में है सन्नाटा, कोरोना की वजह से नहीं दिख रहे पंडाल। पश्चिम बंगाल के पूजा पंडालों में दिया जा रहा है सामाजिक संदेश, कोलकाता में मास्क लगाने का मैसेज। दुर्गा पूजा की धूम के बीच पश्चिम बंगाल में बारिश का खतरा, मौसम विभाग ने जारी किया शुक्रवार को भारी बरसात का अलर्ट। कर्नाटक में अब भी जारी है आसमानी आफत का कोहराम, कर्नाटक के शिमोगा में लोगों की मुश्किल बढ़ी। चेन्नई के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद पानी भरा, अस्पताल में भी पानी भरा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भारी बारिश, कई इलाकों में पानी भरने से लोगों की मुश्किल बढ़ी। आईपीएल में आज राजस्थान से हैदराबाद की भिड़ंत, दुबई में हो रहा दोनों टीमों का मुकाबला। 148 अंकों की गिरावट के साथ 40,558 पर बंदुआ सेंसेक्स, 41 अंकों की गिरावट के साथ 11,896 पर निफ्टी बंद। तेल और दाल के बाद हल्दी ने बिगाड़ा थाली का जायका, कोविड 19 में इम्यूनिटी बढ़ाने की खूबी से डिमांड में इजाफा। SBI ने होम लोन की ब्याज दरों में किया 4.5% छूट का फैसला, 30 लाख तक के लोन के लिए 6.9% पर मिलेगा ब्याज।
फिर बढ़ी सोने की कीमत, 390 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़कर एक महीने के उच्च स्तर पर पहुंचा भाव। रिलायंस जियो ने लॉन्च किया मेड इन इंडिया मोबाइल ब्राउजर जियो पेज, 8 भारतीय भाषाओं को करेगा सपोर्ट। एयर एशिया ने 6 नए घरेलू रूट्स पर शुरू की फ्लाइट सेवा, फ्लेक्सिबल किराए के साथ मिलेगी फ्री यात्रा की तारीख बदलने की छूट। महंगे प्याज पर लगाम कसने के लिए सरकार ने उठाया कदम, आयात नियमों में दी गई डील और बफर स्टॉक से सप्लाई बढ़ाने का फैसला। आत्मनिर्भर भारत पर आरबीआई के पूर्व गवर्नर राजन ने किया सतर्क, कहा दूसरे देशों के सामान पर भारी टैक्स लगाना ठीक नहीं।